हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल आपके। इंडियन पुलिस फोर्स का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो कि रोहित शेट्टी की डेब्यू वेब सीरीज होने वाली है। एंड सच में यार, काफी बढ़िया ट्रेलर है। अगर एक लाइन में मैं इसका रिव्यू करूं तो काफी ज्यादा बढ़िया यार। पहले बात तो है रोहित शेट्टी, बस एक आध बार हो जाती है इंसान से गलती जो सर्कस कर दी थी, लेकिन बंदा अभी फुल फॉर्म में है। एंड सच में टैलेंटेड डायरेक्टर है ये बहुत। कास्टिंग इतनी तगड़ी है, शिल्पा शेट्टी और भाई अपने विवेक ओब्रॉय और सिद्धार्थ मल्होत्रा, शरद केलकर एंड सबके सब पुलिस का जो लुक है वो काफी बढ़िया सूट कर रहा है उन पर, स्पेशली सिद्धार्थ मल्होत्रा। ये बंदा तो यार आर्मी पुलिस इन सबके कैरेक्टर्स के लिए बना, योद्धा है इसकी मूवी, वहां पर भी आग लगाए। और शेरशाह में तो हम इसको देखकर पागल हो गए थे। बाकी विवेक ओब्रॉय और शिल्पा शेट्टी स्पेशली, इन लोगों को काफी टाइम से अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिला था, जो कि अब इन्हें मिल चुका है। स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो स्टोरी के अंदर दिल्ली में किसी ने ब्लास्ट कर दिया किसी टेररिस्ट ने, एंड स्थिति काफी खराब हो चुकी है। एंड अब इंडियन पुलिस फोर्स को जिम्मा मिला है कि भाई उस टेररिस्ट को रोकना है, उसे पकड़ना है। अब ये पुलिस फोर्स किस तरीके से उसे पकड़ेगी, कैसे उसे क्राइम करने से रोकेगी, कितना देखने को मिलेगा, कितना सस्पेंस होगा, वो सब हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा। एंड भाई साहब एक्शन की बात करूं तो नस नस में है रोहित शेट्टी के एक्शन। क्या एक्शन दिखाया भाई, उनको फर्क नहीं पड़ता ओटीटी के लिए वो काम कर रहे हैं या फिर थिएटर के लिए। भाई हीरो जो तगड़े तगड़े एक्शन कर रहे हैं, घुसेला चल रहे हैं एंड काड़िया फाड़िया जो ब्लास्ट हो रही है ना भाई, सच में उतना ही मजा आ रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि कोई थिएटर एक्सपीरियंस हम लोग कर रहे हैं। बाकी सिनेमेटोग्राफी काफी ज्यादा बढ़िया है एंड बैकग्राउंड म्यूजिक भी सच में काफी ज्यादा बढ़िया है। और भाई जो कैमरा वर्क किया गया एकदम से सब कुछ काफी बढ़िया। एंड डायलॉग्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी मुझे काफी ज्यादा बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से कैरेक्टर को दिखाया जा रहा है, उनकी एंट्री हो रही है, कमाल मेरे भाई। एंड इस वेब सीरीज को कोप यूनिवर्स का ही हिस्सा बोला जा रहा है, तो क्या पता कोई कैरेक्टर हमें कोप यूनिवर्स से यहाँ पर देखने को मिल जाए। सिंघम अगेन आने वाली है इस साल, क्या पता उसके प्रमोशन में कुछ डाल दिया जाए, ऐसा मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है ऐसा नहीं भी हो। बाकी 19 जनवरी को आने वाली है ये अमेजोन प्राइम पर वेब सीरीज, वहां पर पता चल जाएगा। एंड 2023 की बेस्ट वेब सीरीज का खिताब जो फर्जी ने लिया है, क्या ये भी ले पाई या नहीं, क्योंकि मूवीज वेब सीरीज का अलग सिस्टम होता है भाई। यहाँ पर एपिसोड्स होते हैं लंबे लंबे, तो क्या ये उतना मतलब लेवल का सस्पेंस बना पाते हैं, क्या उतना थ्रिल मेंटेन कर पाते हैं, पता चल जाएगा या फिर पब्लिक बोर होगी। तो ऑल ओवर इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज का ट्रेलर मुझे काफी बढ़िया लगा, एंड ट्रेलर देखने के बाद मैं सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ वेब सीरीज के लिए। वैसे तुमने क्या इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर देखा तो तुमको कैसा लगा, एंड कोप यूनिवर्स के कौन से कैरेक्टर को तुम देखना चाहते हो इस वेब सीरीज में, कमेंट में बता देना।